सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जिला युवा मोर्चा के प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी की प्रधानगी में देर शाम राजपुरा के लायंस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक 23 मार्च को अमृतसर में होने जा रही शहीदे आजम सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने व पंजाब में राज कर रही कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के साथ किए वायदे पूरे ना करने के विरोध में पूरे पंजाब से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां इकट्ठ कर एक विशाल रैली करेंगे। इस संबंध में राजपुरा के लायंस भवन में रखी बैठक में विशेष तौर पर पहुंचे युवा मोर्चा पंजाब के सचिव श्री अनुज छाड़िया व एडवोकेट अमनप्रीत सिंह भाटिया ने यहां बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 23 मार्च को अमृतसर में होने जा रही उक्त रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की और जिला युवा मोर्चा के प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी को इस बैठक के लिए बधाई देते हुए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी संगठन की बैठक थी जी और 23 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा है उसके संबंध में है। कहाँ पे रखा कार्यक्रम? अमृतसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहीद आजम भगत सिंह की शहादत के ऊपर एक श्रद्धांजलि समागम रखा है। उनको श्रद्धांजलि देने के बाद युवा मोर्चा जो कांग्रेस सरकार है उसके खिलाफ एक अभियान शुरू करेगी जो इन्होंने झूठे वादे पंजाब की जनता के साथ करके सत्ता प्राप्त की है। या तो ये वादे पूरे करें या इस सत्ता को छोड़ें। इस अभियान के लिए हमने आज ये बैठक की। वहाँ पे कितने कट कर रहे हैं युवा मोर्चे का? करीबन 15,000 से लेकर 17,000 हमारे युवाओं का वहाँ पे पंजाब के हर जिले से जाएंगे। बिल्कुल। एक शहर दे विच बड़ी चर्चा चल रही है भी जिहड़े जिला प्रधान अजय चौधरी जी ने उन्हां नूं जिला प्रधान भाजपा दे जिहड़े प्रधान उन्होंने भंग कर दित्ते जिहड़े अधिकारी करनी सी भी इन्हां नूं हक हैगा या अजय चौधरी जी प्रधान हैगे ने? देखो भाई साहब शहर दे विच कई चर्चावां चल दियां, लोकतंत्र है कोई भी चल सकती है। नहीं ये चर्चा नहीं है जी, ये सच्चाई है। उन्होंने प्रेस सच्चाई है कि नहीं चर्चा नहीं है जी। जिला प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखो मेरे पास जो ही वाज नो मोर मेंबर, ये मेंबर भी नहीं है साडे, उन्होंने ये गल कही। मेरे को भाई साहब जो तुहाडा पहला क्वेश्चन आया सी शहर दी चर्चा दा आया सी, जे प्रधान जी दा कोई ऐसी गल आई है हां जी तां मैं जे बैठक दे विच आया ओदा अपने आप विच जवाब। पर फिर भी अगर आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं तो युवा मोर्चा सीधा सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बात पूछना चाहती है कि जब जब आपका कोई मंत्री आपको याद दिलाता है आपको कोई भी कार्रवाई तभी करने की याद आती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अवैध खनन हो रहा है तो आज आपने हेलीकॉप्टर में घूम के ये दिखाया कि अवैध खनन हो रहा है, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूं। अगर आप एक साल से इसका शोर मचाते हो सत्ता में आए हो तो क्या एक साल ये आपको वादा याद नहीं रहा? आपके मंत्री को याद करवाने की जरूरत क्या पड़ी? आज इतनी बड़ी न्यूज के ऊपर एक कैप्शन आ रही है कि नवा शहर का एक जो मंत्री है उसने अपने नवा शहर से संबंधित एक मंत्री है उसने अपने साले के बेटे का वहां पे हिस्सा डलवाया और एक विधायक का हिस्सा ना डलने के कारण ये ज्यादा बात खड़ी हो गई। तो मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों की सेटिंग नहीं करवा पा रहे या ये अवैध खनन पे डंडा नहीं लगा पा रहे, बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की थी, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को इन्हीं के जो मेंबर पार्लियामेंट है शमशेर सिंह गिलो जी या बाजवा जी उन्होंने ये बात कही कि हमने वादे बहुत बड़े बड़े कर लिए जनता के साथ, उन्हें पूरा कैसे करें? तो सरकार कोई भी वायदा जो करके आई हुई है उनमें कोई सच्चाई नहीं है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। जो नशों का इशू है उसके ऊपर तो इन्होंने सीधा सीधा हमारे सेंटीमेंट से खिलवाड़ किया। गुटका साहब के ऊपर इन्होंने माथे के साथ लगाकर शपथ ली है, वो तो हमारे सेंटीमेंट से खिलवाड़। तो ऐसे कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अमरिंदर सिंह को गद्दी छोड़नी चाहिए। ये जो आपकी वहाँ पे बैठक होने जा रही है उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे पार्टी के शमूलियत करेंगे? माननीय केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी होंगे, हमारी प्रदेश की सारी लीडरशिप होगी, केंद्र से जो हमारे प्रभारी लगे हुए हैं महेंद्र शेखावत जी वो राष्ट्रीय सचिव हैं वो होंगे। महेंद्र शेखावत, ये आपने यहाँ युवा मोर्चा को क्या ड्यूटी लगाई है वहाँ पे? हमने करीबन 20 बसों की ड्यूटी लगाई है। युवा मोर्चा की ओर से लायंस भवन में रखी इस बैठक में जहाँ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे वहीं
इस बैठक में सचिव राकेश कुकरेजा, भाजपा के सीनियर नेता नरेश धीमान, श्याम सुंदर वधवा, दमन कपूर, प्रमोद रोमी, मनिंदर शर्मा, रिंकू चौधरी ने भी युवाओं के इस इकट्ठ को संबोधित करने के बाद युवा मोर्चा पंजाब के सचिव श्री अनु छाड़िया को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।